पूरी अयोध्या लूट रहे हैं, तो अगर मुख्यमंत्री ने सच बोल दिया एक बार तो कौन सा अपराध किया? ये तो लगातार बोलना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। हमने तो पहले आवाज उठाई थी कि अयोध्या में गलत काम हो रहा है, लोगों की जमीनें खरीदी जा रही, बेची जा रही है, वैध कारोबार चल रहा है, कौन कर रहा है इसको? भाजपा के नेता तो सब कर रहे हैं, दूसरा कोई थोड़े कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का खुद संरक्षण है, अगर मुख्यमंत्री जी का संरक्षण ना होता, जब अखबार ने छापा था बड़ा बड़ा सारी कि विधायक से लेकर सारे नेता उसमें लिप्त हैं, जमीन के कारोबार में अवैध तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। जब मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई ही नहीं की, क्या मतलब इस बात का? तो मुख्यमंत्री जान तो सब रहे हैं, कौन भाई, कोई मुख्यमंत्री हो वो सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे डीएम, हमारे कप्तान और अधिकारी क्या कर रहे हैं। पुराने डीएम क्या करके गए अयोध्या में? पुराने जो तहसीलदार एसडीएम थे क्या करके गए? तो अयोध्या तो इस समय भगवान राम की अयोध्या खाली लूटी और छली जा रही है, ठगने का, लूटने का, कारोबार करने का अवैध अड्डा बना दिया अयोध्या को। ये धार्मिक नगरी जो थी, ये जमीन के अवैध कारोबार की नगरी हो गई है। और मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा, इसको रोक लगाइए, यहाँ रहने वाले लोगों का सम्मान करिए, और धरती माँ है, माँ का अवैध कारोबार ना होने पाए इस पर इन्हें ध्यान देना।